हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंडिया के तीन सबसे बेस्ट ऑफ रोडिंग एसयूवी के बीच में पावर कंपैरिजन। इसमें हम बताएंगे कि तीनों में से कौन सी एसयूवी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इन तीनों को वैसे तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। पहला है फोर्स गोरखा, जो कि इंडिया में जल्द ही लॉन्च हो चुकी है। वहीं महिंद्रा थार, जो कि कुछ ही महीनों पहले इंडिया में लॉन्च हो चुकी थी और इंडियन मार्केट में काफ़ी धूम मचा रही है। वहीं थर्ड पे है मारुति जिम्नी, जो कि जल्द ही इंडिया में आने वाली है। इस वीडियो में हम इन तीनों एसयूवी के बीच में पावर कंपैरिजन और डायमेंशन कंपैरिजन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स गोरखा के बारे में। ये फोर सीटर फुल्ली ऑफ रोडिंग एसयूवी है, जो कि काफ़ी पावरफुल भी है। इसमें आपको 2596 सीसी का फोर स्लेंडर डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 89.84 बीएचपी का हॉर्स पावर जनरेट करता है 3200 आरपीएम पर। वहीं 250 एनएम टॉर्क जनरेट करता है 2400 आरपीएम पर। ये 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ मिलता है। तो अब बात करते हैं महिंद्रा थार के बारे में। ये भी 4 सीटर फुली ऑफ रोडिंग एसयूवी है, जिसमें कि आपको 2184 सीसी का 4 स्लेंडर एमहॉक डीजल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 130 बीएचपी का हॉर्स पावर 3750 आरपीएम पर जनरेट करता है और मैक्सिमम टॉर्क है इसकी 300 न्यूटन मीटर की, वो भी 2800 आरपीएम पर जनरेट करता है। ये पावर के मामले में तो फोर्स गोरखा से काफ़ी आगे है। ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ मिलता है। वहीं बात कर लेते हैं मारुति जिम्नी के बारे में। ये इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इंडिया में भी इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें आपको 1462 सीसी का फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 101 बीएचपी का हॉर्स पावर 6000 आरपीएम पर जनरेट करती है। वहीं 130 एनएम टॉर्क जनरेट करती है 4000 आरपीएम पर। मतलब कि पावर के मामले में तो महिंद्रा थार इन दोनों से काफ़ी आगे है। इसमें भी आपको फोर्स गोरखा की तरह मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं तीनों गाड़ियों के डायमेंशन के बारे में, क्योंकि ऑफ रोडर के लिए डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले फोर्स गोरखा के डायमेंशन के बारे में। इसकी लेंथ है 4116 mm की, वेथ है 1812 mm की और हाइट है 2075 mm की। व्हील बेस है 2400 mm की और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 210 mm की। वहीं बात करें महिंद्रा थार के डायमेंशन के बारे में, तो इसकी लेंथ है 3985 mm की, वेथ है 1855 mm की, हाइट है इसकी 1844 mm की, व्हील बेस है 2450 mm की और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 226 mm की। अब बात करते हैं मारुति जिम्नी के डायमेंशन के बारे में। इसकी लेंथ है 3550 mm की, वेथ है 1645 mm की, हाइट है इसकी 1730 mm की, व्हील बेस है 2250 mm की और ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 210 mm की, जो कि फोर्स गोरखा जितनी है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में तो महिंद्रा थार काफ़ी आगे है और ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है ऑफ रोडिंग के मामले में। इतने से कंपैरिजन से ही आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा बेस्ट ऑफ रोडिंग एसयूवी रहने वाला है। बाकी तो प्रैक्टिकल होने के बाद भी पता चल ही जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीनों गाड़ियों के प्राइसिंग के बारे में। फोर्स गोरखा की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 13 लाख से। महिंद्रा थार की स्टार्टिंग प्राइसिंग है 12.78 लाख। वहीं मारुति जिम्नी की प्राइसिंग है 10 लाख। वैसे तो दोस्तों इन तीनों की प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है, बट दोस्तों महिंद्रा थार की जो प्राइसिंग है उसमें काफ़ी अच्छा पावर मिल जाता है आपको। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक हो तो कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।